हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था किस तरह से आपको क्लास वन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास वन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको किस तरह से साइन इन करना है, और साइन इन करने के बाद आपको एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दो स्टेप्स है टोटल, ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन करने का। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भी भरना है। सो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप उस वीडियो को देखकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पर आ जाइएगा। इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको एडमिशन का फॉर्म भरना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन कोड मिला होगा, वो लॉगिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़ लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक। सो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। फाइव फॉर्म्स हैं टोटल। इस एप्लीकेशन फॉर्म में फाइव सेक्शंस हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल्स, चॉइस ऑफ स्कूल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड लास्ट में आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना है। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है। आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था कुछ डिटेल्स आपके पहले से ही हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जेंडर पहले से ही मेल है। कैटेगरी ब्लड ग्रुप सारे यहाँ पे आपको भर लेना है। कास्ट कौन सा है, ब्लड ग्रुप क्या है, आपको भर लेना है, ठीक है। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। अगर बिलो पॉवर्टी लाइन से है तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप तो आपको ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट वाले पे आपको पेरेंट्स के डिटेल्स भरने हैं। सबसे पहले आपको मदर का डिटेल भरना है, ठीक है। तो आप इसमें मिसेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मदर का फुल नेम जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मदर का नेम सेलेक्ट करने के बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे पूछा है डू यू वॉन्ट टू कॉपी मदर्स रेसिडेंशियल एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स रेसिडेंशियल एड्रेस। इसका मतलब ये है क्या जो मदर का रेसिडेंशियल एड्रेस है वो फादर का सेम है? अगर सेम है तो येस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, फादर्स का जो रेसिडेंशियल एड्रेस नीचे पूछा गया है वो ऑटोफिल हो जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिटी ऑफ रेसिडेंस क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए। रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, अगर लैंडलाइन नंबर है तो लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए मदर का, ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जहाँ पे स्टार मार्क है, ये रेड वाला स्टार मार्क जहाँ पे है वो आपको भरना ज़रूरी है। जिसमें स्टार नहीं है आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है, भर देंगे तो अच्छा होगा। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, ठीक है। अगर मदर काम करती है तो आपको ये वाला डिटेल्स भरना है, वरना ऐसे ही खाली छोड़ देना है। उसके बाद फादर के डिटेल में आपको फादर का फुल नेम लिख देना है, नेशनैलिटी लिख देना है, ठीक। और एड्रेस जो मदर का सेलेक्ट किया था वो अपने आप यहाँ पे भी फिल हो जाएगा अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो, अगर नो करेंगे तो आपको फिल करना पड़ेगा। फादर का मोबाइल नंबर, फादर का ईमेल एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन, क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, ये सब आपको भरना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका चॉइस ऑफ स्कूल्स आता है, आपको स्कूल्स चॉइस करना है, ठीक है। कौन कौन से स्कूल्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप तीन स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहला मैंने ये केवी दिनजान में अप्लाई किया है, असम केवी दिनजान, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट विद्यालय टू करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे एक और स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चूज स्टेट कीजिए कौन सा स्टेट में है, ठीक है, तो मैं असम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्कूल, यहाँ से आप कोई भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं केवी एएफएस चाबुआ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप दो तीन स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए, वरना अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्कूल में ही आपका बच्चे का एडमिशन हो तो सिर्फ एक स्कूल ही सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्कूल का प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा, आप उसे मैप पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछा गया है, डिस्टेंट ऑफ स्कूल फ्रॉम रेसिडेंस, मतलब स्कूल से आपका रेसिडेंशियल एड्रेस कितना दूर है, मतलब जहाँ पर आप रहेंगे, ठीक है, वो स्कूल से कितना दूर है। तो 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, मोर देन 8 किलोमीटर होगा तो आरटीए के तहत जो है मान्य नहीं है, ठीक है। तो लेस देन 8 किलोमीटर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर मोर देन 8 किलोमीटर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटीए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 8 किलोमीटर सेलेक्ट करेंगे।
इसको सेलेक्ट करने के बाद डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अगर देखो ये वाला क्या है, अगर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर केवी के एम्प्लॉय है या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और उसके वजह से आपको प्रायोरिटी चाहिए एडमिशन के लिए, तो आपको यस पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर नहीं भी कर रहे तो भी आपको यस पे ही सेलेक्ट करना है, मैं आगे दिखा दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। चूज़ एम्प्लॉय और क्या करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपके माता पिता या फिर ग्रैंड पेरेंट्स। सो बी एस एफ, सी आर पी एफ इस सब में है तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। बैंक में या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, घर में कुछ कर रहे हैं, फार्मर हैं, जो भी है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी जिस कैटेगरी में भी आपका पेरेंट्स का पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद चूज़ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नॉट एप्लीकेबल आएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अपने आप चिल्ड्रेन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर रखे थे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका अपलोड अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से मैं चूज़ करूँगा चूज़ फाइल, आप चूज़ फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ खुल जाएगा। फिर यहाँ से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपलोड पर क्लिक कीजिए। अपलोड पर क्लिक करना ज़रूरी है, सिर्फ चूज़ फाइल करने से नहीं होगा। यहाँ से मैं फिर से चूज़ फाइल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं पिक सेलेक्ट करता हूँ और फिर अपलोड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए अपलोड हो गया, और आपका जो इमेज का जो साइज़ है वो 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका साइज़ आपको स्मॉल करना नहीं आता है, यानी कि 256 KB के अंदर अगर आप नहीं कर पा रहे, तो क्यू रेड्यूस लाइट नाम का एक ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पे सिर्फ लिखना होता है आपको कितने KB में ऐप चाहिए, ठीक है। सो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा 250 लिख दीजिएगा और आपका परफेक्ट साइज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं आपका फ़ोटो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर देने के बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। इसमें यही लिखा गया है कि हाँ, मैंने सभी रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशन अच्छे तरह से पढ़ लिया है, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है इस एडमिशन पोर्टल के थ्रू वो सारे सही हैं, ठीक है। सो आई हैव रेड द अबव मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन एंड आई एग्री विद देम। तो सेव टू प्रीव्यू कीजिए, ठीक है, आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा, अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। और उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए, ठीक है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपने जो भी भरा है वो सब सही है कि नहीं, ठीक है। एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, सबमिट करने से पहले रीचेक कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका डिटेल्स कहीं भी गलत होता है तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप रीचेक ज़रूर कर लेना, ठीक है, और रीचेक करने के बाद आपको लगे कि हाँ हर चीज़ सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, देखो, प्लीज़ नोट दैट वंस योर एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड यू कांट मेक एनी चेंजेस टू इट। इफ़ यू वांट टू एडिट सम इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डू नॉट सबमिट द फॉर्म नाउ, इंस्टेड गो बैक टू द अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द फॉर्म यूजिंग द बैक बटन एंड एडिट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने बाकी है या फिर कुछ चीज़ें गलत है, तो आप चेक कर लीजिए, चेक करके आपको दोबारा फिल करना है, ठीक है, सबमिट करने से पहले। सो हम आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद सेव टू प्रीव्यू करेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्रीव्यू कर लेने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सो यस, सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पे OTP पहले आपको इसमें भरना है, मैं भर लेता हूँ। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है, ठीक है। योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, द एप्लीकेशन सबमिशन कोड इज़, ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपको ज़रूरी है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लीज़ सेव प्रिंट द एप्लीकेशन सबमिशन कोड, द नंबर विल बी यूज फॉर ऑल सब्सिक्यूट प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय द स्कूल्स। सो ये सारी चीज़ें आप इसको प्रिंट कर लीजिए, यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, अगर आप फ़ोन से ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप सेव एज PDF कर लीजिए,
मैं यहाँ पे PDF सेव कर लेता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। अगर आप बाद में इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते तो आराम से निकाल सकते हैं। सो आपका यहीं पे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होता है। अब जो भी प्रोसीजर है स्कूल का, आगे आपको स्कूल कॉन्टैक्ट करेगी, आपको बता देगी आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है।